इस तजुर्बे में हम 7 अलग अलग चीजों को पानी में डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, जिसके लिए हमारे पास में है नमक, कपड़े धोने का सोडा, शक्कर, गेहूं का आटा, हल्दी, लकड़ी का भूसा और रेत। आप दोनों एक एक करके चीजें पानी में डालिए, देखते हैं क्या होता है। डालो, आप भी डालो। यह है नमक, पूरी की पूरी डाल दो। यह है रेत, यह खाने का सोडा है, कपड़े धोने का सोडा है और यह है लकड़ी का भूसा। उसके बाद में यह है शक्कर और यह हल्दी और ये है गेहूं का आटा। ओके, अब हम इसको हिलाते हैं। ओके, अभी हमने ये 7 ग्लास के अंदर 7 अलग अलग चीजें डाली है। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन सी चीजों के हक में क्या हुआ है, जिसमें से पहला है ये नमक। इसमें हमने नमक डाला था, इसके हक में क्या हुआ? ये पूरी तरह पानी में घुल गया। ओके, ये पानी में पूरी तरह घुल गया है। इसमें हमने कपड़े धोने का सोडा डाला था, इसके हक में क्या हुआ है? ये भी पूरी तरह घुल गया है। उसके बाद आती है शक्कर, हमने इसमें शक्कर डाली थी, इसके हाथ में क्या हुआ है? ये भी पूरी तरह घुल गई है। शक्कर भी पूरी तरह घुल गई है। उसके बाद में ये है गेहूं का आटा, इसके हाथ में क्या हुआ है? ये पूरी तरह नीचे बैठ गया। ये पानी में नहीं घुला है और पूरी तरह नीचे जो है बैठ गया है। उसके बाद में आती है आपकी हल्दी, हल्दी के हाथ में क्या हुआ है? हल्दी पूरी तरह नहीं घुली है, नीचे बैठ गई। ओके, जो हल्दी है ये थोड़ी घुली है, बाकी की जो है नीचे तह में बैठ चुकी है। इसके बाद आता है लकड़ी का भूसा, इसके हाथ में क्या हुआ है? ये नीचे भी है, नहीं ऊपर भी है। ठीक है, बिल्कुल लकड़ी का जो भूसा है वो पानी में बिल्कुल भी नहीं मिला है और वो ऊपर भी तैर रहा है और नीचे भी थोड़ा सा है। इसके बाद में है रेत, इस रेत के हाथ में क्या हुआ है? रेत भी नहीं घुली है, पूरी तरह नीचे बैठ चुकी। जैसे कि आप देख सकते हैं रेत भी नहीं घुली है और पूरी तरह जो है नीचे तह में जमा हो गई है। अभी अभी हमने ये तजुर्बा किया है, इसे देखने के बाद हमें क्या पता चला? कोई कोई चीजें घुल गई है और कोई कोई चीजें ऊपर तैर रही है और नीचे भी तैर रही है। ओके, सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए क्या हो रहा है कि पानी में जो है कुछ चीजें बिल्कुल तरीके से मिल गई है, घुल गई है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रही है। और कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि लकड़ी का भूसा है, रेती है, हल्दी है और गेहूं का आटा, ये पानी में मिल नहीं रहे, ये एक तो तह में बैठ चुके हैं या ऊपर तैर रहे हैं।